अटेंशन। सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर पे जा रहे हैं उसका नाम क्या है सर? पहले ये टर्म आया कि उस पर जाते तो अकाउंटिंग कर पाओगे। सिंपल सा पॉइंट है, अकाउंट में पहले सवाल बिल्ड करो कि क्यों कर। सर हमारे इंडिया में दो प्रकार के ट्रांजेक्शन है, एक कैश और एक क्या बेटा? क्रेडिट। सिंपल सी बात, एक कैश ट्रांजेक्शन और एक कौन सा है? क्रेडिट। कभी भी कैश ट्रांजेक्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज लगता नहीं है। कैश ट्रांजेक्शन एकदम सॉर्टेड है सर, किस तरह से दे इस रास्ते दे विषय खत्म, उधर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कभी भी आएगा नहीं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर आया है तो बाई डिफॉल्ट तुमको पता रहेगा कि वो ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन है बेटा? क्रेडिट। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया है तो ट्रांजेक्शन बाई डिफॉल्ट कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि उधार पे अगर चीज गई है। सीन यहाँ पे ऐसे होता है बेटा कि यहाँ पे कुछ पार्टीज है, ये बात होती है कि एक बंदा क्या करता है, जो सेलर है वो गुड्स को सेल करता है ऑन व्हाट बेटा? क्रेडिट। और सपोज तू से बी को बेच दिया, लेकिन और 1,00,000 के गुड्स थे। अब भाई साहब ऐसा है कि उधार बेचेंगे नहीं तो आज के दिनों में बिजनेस चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आज अगर मेरा कॉम्पिटिटर उधार दे रहा है तो मुझे देना ही। लेकिन उधारी में क्या लोचा होता है कि साला मेरा कैपिटल अटक जाता है ना, मेरा पैसा तो अटका है, आना 10,00,000 है लेकिन आज आते ही रुपया नहीं है, तो आज पैसा नहीं तो मैं तो यूज नहीं कर पा रहा उसको। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई अपन एक अकाउंट में एक नया कंसेप्ट लाए जिसको लॉ द्वारा मान्यता। आज मुझे बताओ, मैंने आपको चेक दिया उसका वैलिडिटी है कि नहीं? वो चेक आप किसी और को दोगे तो वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? आपका काम तो निकल जाएगा। जैसे चेक का एक इज्जत है, वैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसको नाम दिया गया क्या बेटा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये पार्टी बोलता है सर अभी तो पैसा नहीं है, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि मैं 9 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको पे करूंगा और ये मैं लिखित स्वरूप में आपको देता हूँ। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेलर बायर नहीं बनाता, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? सेलर। सेलर बोलता है भाई एक काम कर, मैं तेरे को एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूं, इस पे तू सिर्फ क्या कर दे? साइन। और बोल दे कि मुझे तेरे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? एक्सेप्टेड। जब ये डॉक्यूमेंट यहां से यहां तक जाता है, जब साइन नहीं होता है तो बाद में करता है, तब तक इस डॉक्यूमेंट को एक वर्ड होता है क्या? इसको क्या बोला जाता है? ड्राफ्ट। जैसे इस डॉक्यूमेंट पे ये जो बायर है वो एक्सेप्ट करके साइन मारता है तो ड्राफ्ट का कन्वर्जन किस में हो जाता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब बिल में हो जाता है। तो सर जैसे कि प्रणव आ गया, प्रणव को मैंने ये मोबाइल बेचा है 50,000 में और ये उधार पे बेचा है। अब उधार पे बेचा है, अब सीनियर बेटा के 50,000 प्रणव के पास थे नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक ड्राफ्ट बनाऊंगा, और ड्राफ्ट मतलब एक बिल, बिल जैसा मतलब एक डॉक्यूमेंट है जहां पे लिखा होगा आफ्टर दिस डे पे टू मी और माय ऑर्डर, मुझे या मैं जिसे बोलूंगा उसे आपको देना है। क्यों? समझो, प्रणव अभी गुड्स लेके गया, हो सकता है ना कल जाके पैसा ना दे, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बायर है तो कुछ भी लॉस प्रॉब्लम हो सकती है जिंदगी में, तो मेरे जो सेलर के लेटर लग जाएंगे करके, तो मेरे हिसाब से दोनों फायदे। मैं प्रणव को बोलता हूँ भाई ये जो बिल है आ रहा है इस पे तो क्या कर पकड़ लेगा? एक्सेप्ट कर, कर साइन करके दे। कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दो, तुम्हारा चलते रहेगा, मैं सवाल पूछने आया तो फिर देखें। तो सर जब ये बिल, ये चीज अगर प्रणव के पास गई है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो इससे क्या बोलूंगा? प्रणव ने साइन किया और मुझे दो, जैसे ही साइन करके इसने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये क्या हो गया? बिल। क्या हो गया बेटा? बिल। तो बिफोर सिग्नेचर ऑफ बायर ये क्या रहता है? ड्राफ्ट। और आफ्टर एक्सेप्टेंस ये क्या हो जाता है? बिल। इतना पॉइंट समझा गया? यस। अब ये बिल, ये जो पैसा है 3,00,000 मुझे मिलने वाला है कि मुझे देना है? तो मेरे लिए क्या है? रिसीव्ड है कि रिसीवेबल है? मेरे लिए हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। प्रणव ने दिया या देना है? पेड है कि पेएबल है? इसके लिए बिल क्या हो जाएगा? बिल्स पेएबल। डॉक्यूमेंट एक ही होता है लेकिन इसके लिए होता है बिल्स पेएबल, मेरे लिए होता है बिल्स रिसीवेबल, दोनों ही डॉक्यूमेंट कितने बेटा? एक। कंसेप्ट समझ रहा है क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डॉक्यूमेंट एक ही होता है, एक पार्टी के लिए वो क्या है? बिल्स रिसीवेबल, तो दूसरे पार्टी के लिए, दूसरे पार्टी के लिए क्या है वो? बिल्स पेएबल। भावना समझ रही है क्या? यस और नो? यस। अब और एक बार, मैं कौन था? सेलर की बायर, और ये कौन था?
तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पार्टी रहती है तीन, पहले दो में बताया था, ड्रॉवर सेलर को क्या बोलते हैं, ड्रॉवर, क्या बोलते हैं, ड्रॉवर, वापस से बोलो क्या बोलते हैं, ड्रॉवर, मतलब ये था ड्रॉवर, ये किसको बोलते हैं बेटा, सेलर, मेरा एक नाम हो गया ड्रॉवर, बिल कौन ड्रॉ करता है, सेलर, सेलर मतलब कौन, ड्रॉवर, और बिल एक्सेप्ट कौन करता है, बायर मतलब कौन बेटा, ड्रॉवर, बायर मतलब क्या, ड्रॉइंग, ये पॉइंट समझा, सेलर और क्या, बायर, बेटा इधर चिन्ह में, अब सीन ये होगा सर कि चिन्मय मैम से मैंने गुड्स खरीदे, मैंने तो इसको बेचे थे, यस नो, अब चिन्मय मैम से मैंने गुड्स खरीदे तो मुझे इनको पैसा देना है, समझो पैसा देना, लेकिन साला पैसा है नहीं, इससे 50,000 आएगा तो मैं चिन्मय मैम को 50,000 दूंगा, लेकिन मैं इनको क्या बोलता हूँ, मैडम ये ना मेरे पास चेक जैसा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप ले लीजिए और तीन महीने बाद मैं पैसे नहीं दूंगा, पैसे कौन दे देगा, प्रणव, आपको सिर्फ बिल दिखाना, आपको पैसे मिल जाएगा, आप मुझे तीन महीने दे ही रहते ना, आप इसको दे देना, तो मैंने जब ये बिल चिन्मय को दिया तो ये बिल क्या हो गया, इंडोर्स, बाद में बता दूंगा, लेकिन ये बिल क्या हो गया, इंडोर्स, पैसों की जगह में क्या दे सकता हूँ, अब ड्यू डेट पे पैसा किसे मिलेगा, चिन्मय मैम को, तो अब जिसे पैसा मिलता है उसे क्या बोलते हैं, बताए, क्या बोलते हैं बेटा, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी होती है, ड्रॉवर, बेटा ड्रॉवर, ड्रॉवर, ड्रॉइंग और क्या, पे, ड्रॉवर मतलब कौन बेटा, सेलर, ड्रॉइंग मतलब कौन, बायर, और पे मतलब जिसे पैसा मिलता है, अब पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, नहीं तो कौन हो सकता है, ड्रॉवर खुद भी हो सकता है, तो जिसके हाथ में बिल है, जो पैसा लेगा, जिसे पैसा मिलेगा उसे मैं क्या बोलूंगा, पे, क्या बोलूंगा बेटा, पे, पे मतलब पे करने वाला नहीं, पे मतलब जिसको पैसा मिलता है, कॉन्सेप्ट समझा गया था, हाउ मेनी पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, थ्री, ड्रॉवर, ड्रॉइंग और पे, ड्रॉवर कौन रहता सेलर की बाय, ड्रॉइंग कौन रहता बाय, पे मतलब जिसे पैसा मिलता है, क्या पे ही ड्रॉवर हो सकता है, यस, मुझे ही पैसा मिल सकता है, और पे ही कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, जिसे मैंने बिल दिया उसे भी, उसे भी क्या बोल सकते हैं, ये समझा बेटा, ओके, तो ये अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो शुरुआत हुई बिल की, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये कौन से ट्रांजेक्शन में आता है, कैश क्रेडिट की दोनों, कैश में कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा ही, किसके लिए बिल्स, बिल्स रिसीवेबल होता है, ड्रॉवर के लिए कि ड्रॉइंग के लिए, ड्रॉवर के, क्योंकि ड्रॉवर को पैसा मिलने वाला होता है, किसके लिए बिल्स, बिल्स पेएबल होता है, ड्रॉविंग, किसके लिए, ड्रॉइंग, मतलब बायर, उसको पैसा देना होता है, आपको क्या बोलते हैं बताए, यहाँ पे मतलब पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है ये जनरल एंट्री पे बेस है, कौन से एंट्री पे बेस है, जनरल एंट्री, और आपको बोलते हैं कि ड्रॉ करो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, ड्रॉवर, और इन द बुक्स ऑफ क्या बेटा, ड्रॉइंग, पास करो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और इन द बुक्स ऑफ क्या, अब ऐसा अगर है तो आपको ना बेसिक्स पे जाना है, जरूरी नहीं कि आपको 11वें आना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ ना क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेस की एंट्री, आज मेरे एंट्री पे ध्यान दो और वो याद रखो कि ऐसे ही होता है, तो वैसे ही है, इसके बाद ट्रांजेक्शन आएगा, अगर ड्रॉवर ने उधार पे सेल किया ना तो ड्रॉवर क्या एंट्री करता है पता है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी मतलब भाई जिसको मैंने सेल किया पर्सनल अकाउंट में, टू क्या बेटा, सेल, और ड्रॉइंग क्या एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ठीक है बेटा, ड्रॉवर, अब ड्रॉइंग को तो पैसा देना है, इसलिए ड्रॉइंग के लिए ड्रॉवर क्या हो गया, क्रेडिटर, इसलिए उसको क्या दिया, क्रेडिट, लेकिन ड्रॉवर को पैसा लेना है इसीलिए ड्रॉइंग को क्या आया बेटा, डेबिट, ड्रॉना समझेगा, ये क्रेडिट सेल का एंट्री है, तुमको लर्न कर लेना है या समझ लेना है, ऐसे एंट्री होगी, क्रेडिट सेल का एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर क्या आएगा, ड्रॉइंग टू सेल, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग क्या आएगा, परचेज टू ड्रॉवर, ठीक है, जब बिल एक्सेप्ट होगा तुमको ड्राफ्ट वाफ्ट कोई लेना देना नहीं, बिल अगर एक्सेप्ट हुआ तो इसके पास बिल आ जाएगा, तो ये एंट्री क्या करेगा बताए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और जिसने बिल देखो नहीं दिया था तो डेबिट था, एक बार बिल दिया ना तो ड्रॉइ को क्या कर देने का, क्रेडिट दे देगा, मतलब सिंपल है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अरे वो गोल्डन को याद आ रहेगा, पर्सनल रियल पर्सनल का क्या है, डेबिट रियल डेबिट और नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंस, ठीक है, फिलहाल इस बिल्स रिसीवेबल को, वैसे तो पर्सनल अकाउंट बिल्स रिसीवेबल,
लेकिन फॉर द टाइम बीइंग रियल अकाउंट। तो मुझे बताओ ड्रॉवर के पास बिल आ रहा है, तो जिसके पास आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स, तो बिल रिसीवेबल को क्या जाएगा डेबिट। कौन दे रहा है ड्रॉविंग, ड्रॉविंग कौन सा अकाउंट है पर्सनल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गिवर को क्या जाएगा क्रेडिट। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा ड्रॉविंग। ये एंट्री का लॉजिक समझ गया क्या बेटा? क्या हो गया बेटा, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर क्या एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉविंग क्या एंट्री आएगा ड्रॉवर, देखो पहले लिख लेता हूँ टेंशन मत लो, फिर मैं बताऊंगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू। इसके लिए मैंने बोला ना ये दो बिल नहीं है, ड्रॉवर को मिलना बाकी तो रिसीवेबल है, प्रणव के लिए देना बाकी था, इसको क्या बोलेंगे टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल। अब लॉजिक देखो, ड्रॉवर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, बिल किसको मिल रहा है ड्रॉवर को, और बिल क्या जा रहा है अगर फॉर द टाइमिंग रियल अकाउंट समझो तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब बिल ड्रॉ होता है तो एंट्री क्या होती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू ड्रॉवर। ड्रॉविंग के बुक्स में क्या होगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पे। समझा बेटा, ये दूसरा। तीसरा क्या होगा बता, एक वर्ड आता है ऑनर, ऑनर मतलब क्या ड्यू डेट पे, इसने तीन महीना मांगा था, तीन महीने के बाद में जाऊंगा मैं उसे बिल दे दूंगा, वो मेरे को क्या देगा पैसा। तो दोनों रियल अकाउंट हो गया, अभी अब पैसा आएगा तो मैं किसको डेबिट दूंगा कैश अकाउंट डेबिट, और मैंने क्या दे दिया बिल टू बिल, बिल ऑनर का ये एंट्री होता है, पैसा मिल गया बिल्स रिसीवेबल दे दिया, इसके पास क्या आ गया बिल्स रिसीवेबल नहीं क्या बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या कैश ऑनर का ये वाला एंट्री आ गया। सिंपल सर, मतलब ये बहुत बेसिक सम है, पहला इतना ही होगा। इसी वर्ग से मास मेरे छोटे छोटे टर्म्स एड होते जाएंगे, आपको सिर्फ उस पर रिविजन रेगुलर करना है, उसको कंपाइलेशन में देखना है, तुम्हारे 10 में से 10 15 मतलब होता हो ना, तुमको ज्यादा टाइम इनप्योर फाइनल अकाउंट में लगने वाला है, कैलकुलेटर नहीं है, तो तुम ट्राई करो कि कंपनी अकाउंट में टाइम बचाओ, तुम ट्राई करो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में टाइम बचाओ, जहां पे तुम्हारा फटाफट आंसर आ जाएगा, फिर तुम ज्यादा वक्त तो टैली पे दे दो, मतलब तुम्हारा साला एंट्री भी नहीं आ रहा, तुम्हारे हर सब में सेम, मैंने देखा भी डेप्रिसिएशन का पेपर दिया सीए फाउंडेशन, मतलब देखो तुमको आ रहा था वो भूतकाल, तुमको आ रहा ये प्रेजेंट के मार्क्स मिलेंगे मारे, तुमको वहां पे बहुत बच्चे ब्रैंक को जीरो मार्क्स, लिटरली जीरो, जिनका नवंबर में अटेम्प्ट है, अब जीरो मतलब ये दिया है इधर ही है कि भाई, तो अब क्या ऐसे, तो ये क्यों आया ऐसे नहीं तुमने पढ़ा नहीं, उधर डायरेक्ट ब्लैंक हो जाते हैं, क्यों होते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। अकाउंट को थियरी मत समझो कि एक सम कर लिया सर का लेक्चर अटेंड किया आप क्या भाई एकदम भारी, अकाउंट मांगता है प्रैक्टिस, मैंने 10 सम लिए मेरा काम हो गया, तुम 10 प्रैक्टिस करो तुम्हारा मेहनत है, क्योंकि मार्क्स तुमको बैठ के बोर्ड में पेपर देना है, मेरे लिए नहीं आ रहे काम, समझ में आ रहा है हर एक टर्म, ये इतना ही सिंपल है। ये क्या हो गया बेटा ऑनर, ये केस ए बोला जाता है जहां पे आपका बिल क्या हो गया, लेकिन एक केस है जहां पे बिल क्या होता है डिसऑनर, डिसऑनर मतलब ड्यू डेट पे मुझे पैसा मिला कि नहीं मिला, ड्यू डेट पे मुझे पैसा नहीं मिला, और अगर पैसा मिला तो ठीक है, अगर पैसा नहीं मिला तो ये क्या करेगा भाई तेरा बिल तेरे मुंह पे फेंक के मार रहा हूं, टू बिल्स रिसीवेबल, लेकिन अब मेरे पास कैश तो नहीं आया लेकिन मैं तुझे वापस क्या बना दूंगा डेटर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये कौन सा केस है अगर बिल क्या हो गया बेटा डिसऑनर, बिल क्या हो गया डिसऑनर, ये क्या एंट्री करेगा इसके पास बिल फेंक के मारा है तो ये बिल्स पेएबल को डेबिट ही देगा, लेकिन कैश की जगह किसे क्रेडिटर बना देगा टू ड्रॉ, क्या बेटा सॉर्टेड है यहां तक, जब बिल क्लियर हो गया तो कैश टू बिल्स रिसीव, बिल क्लियर नहीं हुआ तो ड्रॉवर टू ड्रॉवी टू बिल्स, इधर बिल क्लियर हो गया बिल्स पेबल टू कैश, नहीं हुआ तो बिल्स पेबल टू ड्रॉ। लास्ट कंसेप्ट है, कंसेप्ट का नाम है आओ बेटा प्रणव, प्रणव को मैंने बिल दिया था, मैं बिल लेके इधर आ गया, मैं बिल लेके प्रणव के सामने आ रहा था, उसका पैसा प्रणव ने बिल फेंक के मैं फूंक फेंक के वहां मिलवा गया,
मैंने अब साला मेरे को लगा कि मेरा किधर जाओ, वो टुकड़े मैंने उठाया और मैं गया गवर्नमेंट जो सर्वेंट है नोटरी अधिकारी, उसको बोला सर इस पे सिक्का मार के तो देखो ड्यू डेट है, ये सिक्का होगा, ये डेट पे मैं गया इसने पैसा दिया नहीं, डिसऑनर हो गया स्टैंप पेपर उसको ना, तो नोटरी करके दो कि इसने पैसा डुबाया, तो कोर्ट में इसको गजेट के लेके जाओ। अब ये जो नोटरी करना पड़ता है उसका खर्चा होता है, उसको क्या बोलते हैं नोटिंग। किसकी गलती की वजह से बिल डिसऑनर हुआ, मतलब ड्रॉवी, तो किसने बेयर करना चाहिए, ड्रॉवी ने। लेकिन जब मैं नोटरी के पास से गया, मैं बोलूं क्या चेक करने क्यों था, उसका क्या संबंध, वो किससे पैसा मांगेगा मेरे से। तो जब बिल डिसऑनर होता है ना, तो मैं कैसा एंट्री करता हूँ ड्रॉवर देखना, ड्रॉवर ऐसा एंट्री करता है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, प्रणव से लेने थे 50,000, नोटरी के लिए खर्चा लगा कितना 500, तो प्रणव से कितना लेना है 50,500। टू, मैंने क्या किया, प्रणव को बिल्स रिसीवेबल दे दिया, कितने का बिल्स रिसीवेबल था 2, मैंने क्या भरा नोटिंग चार्ज, टू कितना 500 इन द बुक ऑफ ड्रॉवर, ध्यान से क्या जब क्या नोटिंग चार्ज, और नोटिंग चार्ज कब रखता, ऑनर की डिसऑनर, डिसऑनर हुआ तो नोटिंग चार्ज देता, डिसऑनर में किसको डेबिट आता है ड्रॉवी, किसको क्रेडिट आता है बिल फिशिंग। अगर नोटिंग चार्जेस गया तो एक काम करने का, जितना नोटिंग भरा ना तो 2 कैश ड्रॉवर के इसमें लिख देने, लेकिन अल्टीमेटली किसका खर्चा है, इस प्रणव के पास बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कितने का बिल्स पेएबल आया बेटा 50,000, लेकिन ये जो नोटिंग चार्जेस है ये किसका खर्चा एक्चुअली, प्रणव, वो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट देगा किसका बेटा 500, तो किसके अकाउंट में नोटिंग चार्जेस डेबिट गया, प्रणव मतलब ड्रॉवी। तो आपको अगर पेपर में पूछा नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली कौन बेयर करता है, ड्रॉवर की ड्रॉवी, लेकिन इनिशियली किसको पेड करना पड़ता है, बहुत अलग अलग शब्द है, अल्टीमेट कौन बेयर करता है, इनिशियली किसको पेड करना पड़ता है, मतलब होल्डर ऑफ बिल, ड्रॉवर मतलब क्या, इंडोरसी के एक कांसेप्ट आएगा, जिसके हाथ में बिल होता है बैंक के पास जाता है, बैंक पेड करेगा, जिसके पास बिल है वो नोटिंग चार्जेस पेड करेगा, बोलो मेरे पास जिसके हाथ में बिल है वो नोटिंग चार्जेस पेड करेगा, लेकिन फाइनली बेयर कौन करेगा, ड्रॉ, उसकी गलती की वजह से वो क्या हुआ है। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी क्या एंट्री होता है, बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर, मतलब सर क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे, ये जो एंट्री मैंने बताई ना डिसऑनर का एंट्री क्या था, ड्रॉवी टू बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे जानते ड्रॉवी टू बिल्स रिसीवेबल, सिर्फ नोटिंग चार्जेस आया तो यहाँ पे क्या एड हो जाएगा, एंट्री सर यहाँ पे क्या था, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर, नोटिंग चार्जेस आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस टू डेबिट, दैट्स ऑल, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत बेसिक सा, बेसिक सा सम कैसे सर, अगर यहाँ पे मैंने आपको कहा कि मिस्टर मोहन नाम का एक बंदा है सोल्ड गुड्स ऑन क्या बेटा, क्रेडिट, मिस्टर मोहन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राधा, राधा जी को उन्होंने क्या किया, क्रेडिट पे गुड्स बेचा, ऑन कितने महीने का क्रेडिट पीरियड बेटा 3 मंथ्स का, मोहन ने बिल ड्रॉ किया, ऐसे देते वो बिल ड्रॉ किया और राधा जी ने बिल क्या किया बेटा एक्सेप्ट किया, और आपको केसेस देंगे, केस आपका बिल क्या हो गया ऑनर, और केस भी बिल क्या हो गया, बोले एंट्री पास कर, आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ क्या बेटा, इन द बुक्स ऑफ मोहन, अब मोहन ड्रॉवर है कि ड्रॉवर ड्रॉवी है ये सोचना पड़ेगा, मोहन क्या है ड्रॉवर, जो सेल करता है वो कौन होता है ड्रॉवर, और ड्रॉवर के लिए बिल्स पेएबल होता है कि रिसीवेबल, रिसीवेबल, ये पूछ रहा हूँ, ड्रॉवर ड्रॉवी समझना जरूरी नहीं, अगर देखा तो बंधन हो गया, ओके, और राधा क्या है बेटा ड्रॉवी, इन द बुक्स ऑफ राधा, तो इनके लिए वो क्या हो जाएगा बेटा बिल्स पेएबल, पहला एंट्री क्या होगा क्रेडिट सेल का, राधा अकाउंट टू सेल्स, पहला क्रेडिट सेल का एंट्री करो ना, कितने का सेल किया था बेटा, अमाउंट सपोज दे 10,000, कितने का सेल किया था 10,000, तो एंट्री क्या होगा 10,000, राधा के बुक में किसका सेल का एंट्री करोगे, परचेस का, अब वो बताएंगे तुमको लॉजिकल, इससे सेल आते राधा में परचेस क्या रहेगा, तो एंट्री क्या होगा,
किससे परचेस किया आपको सीधा भेजेंगे वो कि बताओ बिल ड्रॉ किया और एक्सेप्ट किया खत्म बात बिल ड्रॉ किया एक्सेप्ट किया तो इसके लिए क्या एंट्री हो जाएगा सर बिल आया है तो इन द बुक्स ऑफ मोहन एंट्री क्या होगा सर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू किसने बिल दिया दादा इन द बुक्स ऑफ राधा का एंट्री होगा ये छोटी छोटी गलतियां मत 10,000 ठीक है ये इम्पोर्टेंट है और इतना अगर समझा अब आता है तुम्हारा क्या बेटा केस ए क्या बेटा तुम्हारा बिल क्या हो गया ऑन और अगर बिल ऑनर होगा तो मोहन जाके राधा को बिल देके राधा क्या दे देगी कैश ऑनर का एंट्री है रिसीवेबल नॉट राधा खत्म बात 10,000 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और नरेशन बिंग नरेशन लिखेगा ना बिंग कंपल्सरी जनरल एंट्री नरेशन लिखना ही है लेकिन एंट्री देखो नरेशन तो वही है शॉर्ट में कोई दिक्कत नहीं है ये क्या करेगा बेटा जहाँ पे तुमने बिल क्या दे दिया बेटा बिल क्या हो गया ऑनर अगर डिसऑनर होता तो देखो कैश की जगह डिसऑनर हुआ ना तो पार्टी का नाम लिख देने क्या राधा अकाउंट टू बिल्स ये तो जाएगा ही जाए 10,000 और यहाँ पे बिल्स पेबल एज इट इज रहेगा सिर्फ कैश की जगह किसका नाम आएगा बेटा मोहन इससे लिया था मोहन ये हो गया तुम्हारा 10 मार्क ऊपर अब तुमको बोल रहा हूँ मेहनत करो ये और कंपनी तुम्हारा सबसे ज्यादा ना पिलर रहेगा सपोर्टिंग रहेगा अगर तुमने मेहनत किया कंपनी में क्या केस आता है फोरफीचर और रीश यही ज्यादा करके डिफिकल्ट होती है डिफिकल्ट नहीं बहुत सिंपल है 5-8 सीधे फोर पिक्चर लेक्चर देखो तुम्हारे पास सबसे बड़ा बैकअप स्ट्रॉन्ग ये कि अपने लेक्चर है मतलब तुमको आज किया 2 दिन बाद 2 महीने बाद भूल गए वापस लेक्चर देखने का 1.5 की स्पीड पे अब मैं एक बैच क्रिएट कर रहा हूँ उसका कोड दे दूंगा सिक्वेंस लेक्चर वहां पे लगा के रखूंगा आपको जब टाइम मिल रहा है लेक्चर देखो सॉल्व करो विषय समझ में आएगी ओके पहला इलस्ट्रेशन आपको सॉल्व करना है कौन से पेज नंबर पे बेटा अभी नहीं घर पे जाके करना पेज नंबर क्या है 2 7 9 बेसिक इलस्ट्रेशन पेज नंबर 266 लिख लो कल चेक करोगा तो बेटे आओ टाइम पे आओ बाद में जाओ पढ़ाई करो यहाँ पे बाकी एक तो है ना मराठी में लेकिन है ना कि नहीं पढ़ाई करें यस बहुत इजी चैप्टर है अब ध्यान दो पेज नंबर 266 का एक क्वेश्चन है बेसिक वाला वो करना ठीक है और सबने कल करके आना है कल मॉर्निंग क्या है 10-15 भी मुझे लेट होगा लेकिन आप 4:30 बजे आओ चाबी टेबल के पास दोनों देखे रहते अब ध्यान दो और मैथ्स का रहा सवाल उसका अपन अच्छा फाउंडेशन का मैं ट्राई करूंगा सवा सात तक ठीक है चलो ऑफलाइन वाला यही पे डन करते हैं।